हाय एवरीवन, नमस्कार। तो इस बार की नवरात्रा सच में थी स्पेशल। आखिर वाले दिन में भी माता ने चमत्कार कर ही दिया। कैसे, तो चलिए देखते हैं। टिंग 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 टिंग। शुभ रामनवमी, सब लोग खूब खुश रहिए। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव इन लाइफ विद माला। इन 9 दिनों में सुबह उठते ही मेरा ये रूटीन था, सबसे पहले आंख मलते मलते माता रानी के पास जाना, फिर माता रानी का ये वाला श्लोक लगा देना। लेकिन आज महानवमी की सुबह थोड़ी अलग थी। इसके साथ हो रहा था कन्या पूजन के प्रसाद की तैयारी। जो भी नवरात्रि करते वो मेरे इस बात से सहमत होंगे कि ये फीलिंग ना मिक्स्ड फीलिंग है। खुशी भी है, लेकिन साथ में माता रानी के साथ बिछड़ने का एक दुख भी है। जय माता दी, और साथ में हैप्पी राम नवमी। राम नवमी को लेके एक बहुत धुआंधार चीज हुई है, अभी मैं वो आपको दिखाती हूँ, उसके बाद चलते हैं पूजा करने। चलिए, आज की प्रसादी है स्पेशल, क्योंकि पेड़े बना रही है नंदू बाबू। पूरी तला जा रहा है आलोर, और मैं पूरी छान रही हूँ, और बंकू कर रही है वहाँ पे सारी तैयारी, और मेरे जो लंगूर महाराज है और चीकू वो भी आ गए हैं। तो आज कन्या पूजन में होने वाला है धमाल, और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो राम नवमी को लेकर एक बहुत प्यारी चीज यार मजुमदार ने की है। चलिए आइए। ये राम नवमी के दिन इस तरीके से जय श्री राम लिख के ध्वजा बनाना, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा काम था जब मैं इंडिया में थी। पर ट्रस्ट में यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ भी ख्याल या ऐसा कुछ भी इच्छा मेरा कभी हुआ ही नहीं, कभी दिमाग में असल में आया ही नहीं। लेकिन इस बार देखिए कैसे ये चमत्कार हो गया। यार मजुमदार तो बोल रहे थे कि देख, तूने 9 दिन इतने अच्छे से माँ की सेवा की कि ये माता का ही वरदान है। अब मेरे पिछले 5 नवरात्रि का सबसे प्यारा चीज हुआ है, यार मजुमदार ने यहाँ पे ध्वजा लगाया है हमने, और यहाँ लिखा हुआ है जय श्री राम। मैं इसको बाद में थोड़ा टाइम मिलेगा तो येलो पेंट से करूंगी, अभी थोड़ा टाइम का कमी है बोल के मैंने व्हाइट चौक से ही कर दिया है। सो दिस इज द थिंग। हैप्पी राम नवमी आप सबको, मेरी LLN फैमिली को। और अब कर लेते हैं माता रानी की नवमी की लास्ट आरती और कन्या पूजन। चलिए, तो पूजा शुरू करने के पहले सबसे पहले प्रसादी जो बनाई थी वो भगवान के लिए निकाल ली, और सबसे पहले मेरा जो मैं चढ़ाती हूँ वो माँ अन्नपूर्णा को, उसके बाद अब माता रानी का प्रसाद इस तरीके से माता रानी के सामने रख दिया, और यार मजुमदार ने रामनवमी के उपलक्ष में बजरंगबली और जय श्री राम के लिए भी प्रसाद निकाला। जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। प्रसादी चढ़ा दिया है, 40 कर लिया है, अब करते हैं माता रानी की आरती, उसके बाद मेरी 3 माता रानियां और लंगूर महाराज वेट कर रहे हैं, फिर करेंगे कन्या पूजन। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिव हरि। पूजा के बाद अब बारी थी कन्या पूजन की, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जौ इस तरीके से काट कर उसको मौली में बांध कर भी तैयार करके सबको मौली इसी तरह पहनाती हूँ। नहीं तो ना जौ इधर उधर बच्चों को आप तो इधर उधर गिर जाते हैं, फिर पाँव में लगते हैं। तो अब कन्या पूजन की बारी। जय माता रानी, जय माता रानी, जय लंगूर महाराज, जय माता रानी। ये मेरी सबसे प्यारी माता रानी। और कुछ ज्वारी बांधकर मैं इसको अपने घर के जो भी ऑस्पिशियस जगह है वहां रख देती हूँ। नवरात्रा में 9 दिन फलाहारी करके, और इस बार तो आप लोगों के साथ मैंने इतनी ऑस्पिशियस चीजें शेयर की कि इस बार का नवरात्रि सच में टचवुड इतने अच्छे से बीता ना कि आप लोग भी फील कर सकते हैं ये वाइब्स, और एज अ उपासक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नंदू की नजर जो है इन पूड़ियों में है। अच्छा, नंदू को कितना खाना है लुची, हाउ मेनी लुचीज,
100 और महक और चीकू की नजर है इनमें, तो कन्या पूजन अच्छे से हो गया, अब है इन लोगों को गिफ्ट देने की बारी। सो मैं अभी बताऊंगी नहीं, आप लोगों को यही सब खोल के दिखाएंगे। ये है मेरी बड़ी माता रानी का, ये है लंगूर महाराज का, लंगूर महाराज ले लेंगे कुछ, और ये वाला व्हाइट बोर्ड, और ये भी, इसका नाम क्या नंदू? मेरी दी। This is the new addition in Mazumdar's family. Now we are 6 of us. So Melody is the new. ये आया है इन लोगों का व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड ट्विन, तो इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। एंड दिस इज द मोमेंट जब सब जो है रिलीश करके प्रसादी ग्रहण करते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी। अच्छा मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि माला आप फलाहारी जब भी कर रहे हो या नवरात्रा के 9 दिन आप क्या खाते हो, तो मैं आपको सच बताऊं मेरा यही 9 दिन में सेम सब्जी रहता है रोज। घी में मैं बनाती हूँ, 1 चम्मच घी में डाल के आलू और पनीर की, और साथ में ये कुट्टू के आटे का 1 रोटी ऐसा रहता है। और सिंस रोस्टेड चीज जो है व्रत में नहीं खाते हैं, तो मैं पराठा करने की बजाय इसमें जस्ट 1 बूंद जो है घी लगा लेती हूँ, और बस इस तरीके से मेरा ये रहता है प्लैटर। एंड इट इज द स्मार्ट वे ऑफ फास्टिंग, मैं हमेशा से बोलती हूँ, और इस स्मार्ट वे ऑफ फास्टिंग को लेके मेरा एक व्लॉग भी है, मैं उसका लिंक जो एंड ऑफ द स्क्रीन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, किस तरीके से आप कैलोरीज को डेफिशिएंट वे में मैनेज करके अपने को फिट रख के व्रत का खाना आराम से खा सकते हो। तो अब बारी है गिफ्ट खोलने की, चीकू बाबू भी चले गए अपने घर। ये यहाँ पे हाउ कैन आई फॉरगेट कि कुछ भी चीज लाओ आइकिया से या कहीं से, आपको खुद ही लगाना है। तो अभी हम लोग वही, अब ट्विंस तो मानेंगे नहीं, देखिए। और यही पापा लोगों का भेदभाव है, मेरा कोई सामान है यार बुजुर्दा क्या बोलेंगे, रहने देना कल देखते हैं, कल आराम से लगाएंगे, कल छुट्टी है। अभी हम इन लोगों ने सब प्रसाद वगैरह खाया, मैंने कहा रहने तो नकल करते हैं, अब बैठ गए लेने, अभी पूरा स्क्रू ड्राइवर पूरा सेट लेके आ रहे हैं। वैसे मेरी बेटियां ही नहीं, हम दुनिया की हर बेटी जो है अपने पापा की दुलारी होती है, ये बात तो सही है। एनीवेज इस तरीके से फिर वही स्क्रू ड्राइवर का चक्कर हुआ शुरू, सब कुछ लगाना इंस्ट्रक्शन पेपर में पढ़ के, ये सच में बहुत बड़ा आर्ट है, यहाँ पे रहकर ना ये भी मैनेज हो गया, तो इस तरीके से ये लग भी गया। इट्स डन। जय माता दी। चलो व्हाट विल यू राइट, व्हाट विल यू इनॉग्रेट? Other is writing M A L A. Twice? Yeah, 1 A. ली मेली बुकू, और ये है जय माता दी। और नंदू क्या बना रहा है? Flower. और अब महक रानी अपना यूकेलेली, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। जय माता दी, कुछ सुना दे। अभी तो बहुत सारे गाने हम लोग इस पे सीखेंगे, और महक को कौन सा करना है? महक डीडीएलजे का। टिंग 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 टिंग। महक को वो वाला ही सीखना है, मतलब इनॉग्रेशन उसी से करना है। सो एचआरके के दीवाने हम सभी हैं। सो प्रिटी। So where are you going? And she's looking at the house. For? Kanya Pooja. Well, do namaste and say everyone, namaste. Namaste. Wow, mommy पाँव में नेल पॉलिश लगा के दे रही है, और ये गिफ्ट भी। याद है आपको नवरात्रि की पहली दिन, उस दिन हम लोग बो रहे थे, उस दिन एक अलग बहुत हर्ष उल्लास एक एक्साइटमेंट रहती है कि 9 दिन ये करूंगी वो करूंगी, और आज नवमी में कन्या पूजन के बाद इन लोगों का गिफ्ट खोल दिया। अब बस माता के पास ही थोड़ी देर बैठी हुई थी, माँ के पास, कि अब जो है कल माँ चली जाएगी, माँ का विसर्जन वगैरह ये सब करेंगे, और इसमें जो है जो एक्साइटमेंट लेवल है एकदम जीरो हो जाता है। ये आप लोग जो जो नवरात्रा करते हैं मुझे जरूर बताइएगा, आप लोगों का भी ऐसा रहता है कि नहीं बताइए। इतना लो वाइब्स लगता है कि बहुत बड़ा एक शक्ति का गोला जो है, एकदम जैसे कोई शक्ति का पुंज जो बोला जाता है वो एकदम निकल के जा रहा है। एनीवेज माता अगर जाएगी नहीं तो फिर वापस आएगी कैसे? शरद काल की नवरात्रि का तो फिर से वेट है हम लोगों को।
तो चलिए अब मैं ये व्लॉग आज का खत्म करती हूँ, बट आई विल एंड माई टूडेज व्लॉग नियर द श्री राम का ध्वजा, वहाँ चलते हैं। और आज के व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा भरपूर दीजिए लाइक, और मेरी माता रानियों को अपनी दुआओं में, आशीर्वाद में, प्रार्थनाओं में शामिल रखिएगा। इस व्लॉग को करिए शेयर। ये इस बार के नवरात्रि का बिसाइड्स माता रानी को श्रृंगार का सामग्री देना, गेहूं के ऊपर नारियल स्थापना करना एंड दिस, ये बोलते ना, मुझे थोड़ा सा भी इसका इल्म नहीं था कि ये चीज़ होएगा मेरे साथ नवमी के दिन, इसने मेरा, मुझे बहुत आज अच्छा लगा। एनीवेज तो श्रीराम के ध्वजा के यहाँ अब आज का व्लॉग खत्म करती हूँ। इसके साथ ही इस बार की चैत्र नवरात्रि आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ बीती, कुछ हीलिंग मंत्रास हम लोगों ने किए, कुछ मेडिटेशन किए, और ये सब तो चलता ही रहेगा। तो अब चलती हूँ, लेती हूँ विदा। और यस व्यूअर्स, आप लोग करिए सब्सक्राइब, ताकि आज जो रामनवमी के शुभ उपलक्ष पर जो मेरा ब्लॉग जाएगा उस पर मेरा 5K प्लस हो जाए। तो एनीवेज अब जाने की बारी आ गई है, चलती हूँ, लेती हूँ विदा। जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला, हैप्पी नवरात्रा, शुभ रामनवमी, सब लोग खूब खुश रहिए। और हाँ मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग करिए सब्सक्राइब, 5K प्लस करना है ना LNL फैम को।